सो यो बडी इज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आई एम सुपर अमेजिंग पर्सन लाइक लिटरली। क्यों? क्योंकि मैं तैयार हो रही थी जब आने के लिए, तो मैं सोची थी कि तैयार होने के बाद हाल के हाल मतलब गेट पे अपने वीडियो बना लूँगी, इंट्रो शूट कर लूँगी, कि देन फिर वो कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब ब्लॉग चलेगा तो हो जाएगा। भाई तैयार होने के बाद मैंने गाड़ी उठाई और मैं आ गई। भाई मैंने इंट्रो शूट नहीं करा भाई, तो क्या बोलूँ अपने लिए। सो या आई एम हेयर एंड वेयर आई एम वो अभी आपको मालूम चलेगा इन द व्लॉग्स। तो स्टे ट्यून्ड। और भाई ये देखो भाई मेरा पूरा चेहरे की ऐसे तैसे हो गए हैं, वो छोड़ो वो ठीक तो कर ही लूँगी मैं, इतनी कहते हुए लूँ। सो या स्टे ट्यून्ड विद माय व्लॉग एंड सी कि मैं किससे मिल जाऊँगी। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। मैं देखो इन्हें ये ओस की बूंदे सारी दुनिया से मुझे खा लेना। अरे राम भाई इस लड़की चाला किया, देखो यार क्या क्या कर रहा वाला पड़ रहा भाई, अब मजा आएगा ना बिड़ू बहुत ज्यादा। भाई अभी हम लोग गरबा नाइट से गरबा खेल के आए, देख लिया होगा ब्लॉग में। अब हम लोग की बन रही है रील। भाई इतने टाइम बाद दोनों मिलकर साथ में रील बना रहे हैं, तो अभी रील की प्रिपरेशन चल रही है सर। ठीक है भाई, ये लड़की देखो देखो कितनी सुंदर लड़की, भाई कभी मिलेगी देखने को ऐसी लड़की है। तो अभी हम लोग का चल रहा है सेटअप वेटअप हो गया और वहाँ अभी कैमरा लगाएंगे, उसके बाद कौन सी वो चैलेंज बेस्टिंग चैलेंज वो वाली। हम लोग इतने टाइम से बेस्ट फ्रेंड हैं, स्टिल हम लोगों के दिमाग में इन खाली खोपड़ियों में कभी ये आइडिया नहीं आया कि चलो हाँ देखते हैं कितना जाते हैं। हाँ, करेक्ट, क्योंकि जानते तो है बट लोगों को नहीं पता हम लोग। तो अभी फिर वही बनाने वाले हैं। ठीक है, और सारी डिटेल्स इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे, वो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बिकॉज जो एक और प्लान था मेरे का बारिश में खराब पड़ गया, बट ये भी काफी अमेजिंग है। Friends in a room, they might kiss. Yes, we will. What? Yes, we will.
इसी चक्कर में मैं उतना नम लोग मुझे छोड़ के भाग गए भाई हो सकता है क्योंकि नंबर तो बुलाते थे भाई डील बनाएंगे हमारी मजबूरी हम नहीं छोड़ सकते चाहते भी नहीं है क्योंकि मतलब कब से स्कूल से कम 7-8 साल हो गए शादी ब्याह बस सकते ना भाई साथ में ब्याह कर लेते तो, बट नहीं कर सकते मतलब ऐसा कुछ नहीं है बट नो आंटी ने बनाया है मेरे फेवरेट कढ़ी और चावल मतलब वाह और ये लड़की फटाक से तैयार होके आ गई सर चेंज करके आ गई ना कि तैयार होके आ गई तो हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है ऑल सेट मतलब ऑल खत्म अब पेट टमाटर हो चुका एकदम भाई कढ़ी चावल मजा आया खा के एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग भाई मम्मी ने शर्ट टाइप की लगाई थी एंड सॉरी मम्मी कि हम 8 बजे के पहले नहीं आएगी और अभी अगर टाइम देते 9 बजने वाला है भाई सोचो एक घंटा एक्सट्रीम लेट में चली आती तो मतलब ठीक है यार खाना वाना खाया बारिश हो गई थी मेन चीज ये है नहीं तो फिर 8 बजे तक थोड़ा सा आस पास भी जो भी लेकिन जा नहीं पाए तो कोई बात नहीं लेकिन बड़ी चीज है और इसके बाद भाई मैं जब भी इसका व्लॉग आता है मैं बस ही बोलती हूँ नेक्स्ट टाइम मेरे घर आना है और नेक्स्ट टाइम मैं इसके घर आती हूँ भाई ये नहीं आ रही होती है अब बोलिए जब भी मतलब संडे हम नहीं आएंगे अरे हर बार बोलते आएंगे तो आ नहीं पाते नहीं आएंगे हम आ जाएंगे संडे कोई मूव नहीं और हाँ वो कर देंगे गेस करिए और कमेंट में बताइए नेक्स्ट चैलेंज क्या होगा चैलेंज होगी स्पेशली चैलेंज व्लॉग तो भाई चलता रहता है लेकिन यहाँ पे चैलेंज समथिंग कुछ होना चाहिए तो वो करेंगे सो अब 9 बज रहा है कोई टाइप हो सकती है तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है सो अब जा रहे हैं घर सो गाइस बहुत लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब बाय गुड नाइट सेफली पहुँचाना यार ये सबसे भाई हर ब्लॉग में जाके देखोगे हर ब्लॉग के लास्ट में ये कॉल जरूर कर देना लेकिन हमें कॉल अच्छा करना पड़ेगा कॉल कर देना मैसेज कर देना और अगर वो 5 साल वाला हुआ शायद दशहरा ब्लॉग भी हो जाएगा फिर अगर आ भी गया तो दशहरा कहीं रावड़ा मिलता है पास हो रहा है।